एक बेहद खूबसूरत बॉलीवुड डॉल जिसने सालों में नहीं महज चंद दिनों में भारतीय सिनेमा में अपनी वो जगह बना ली जो लोग दशकों में नहीं बना पाते। हम आज बात कर रहे हैं मोस्ट ब्यूटीफुल और टैलेंटेड एक्ट्रेस दिव्या भारती की। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वैसे तो आम तौर पर जब भी दिव्या भारती जी का नाम सामने आता है लोगों के मन में सिर्फ वही बात आती है, अरे ये वही हीरोइन है ना जो बहुत कम उम्र में गुजर गई थी, जिसकी अपने ही घर की खिड़की से गिरकर मौत हो गई थी। पर आज हम आपको दिव्या भारती जी से जुड़े हुए कुछ ऐसे आश्चर्यजनक और मनोरंजक बातों से रूबरू कराएंगे जो आपको अभी तक किसी एक सिंगल वीडियो में भी नहीं मिली होंगी। तो मैंने बोला दिव्या, मैंने हाँ बोला है, प्लीज चलना, जैसे ही हूँ वैसे ही चलूंगी, कपड़े चेंज नहीं करूंगी, हाथ मुंह नहीं धोऊंगी। जैसे कि क्या आपको पता है कि कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड न होने के बावजूद आखिर दिव्या भारती को इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिल गया? आखिर किसने दिव्या भारती को रबड़ की डॉल समझ लिया था? दिव्या भारती जी ने किसे छूने के बाद कई दिनों तक अपने हाथ तक नहीं धोए थे? ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी कि दिव्या भारती जी को अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाना पड़ा? आखिर क्या था इनके खिड़की से गिरने पर इनकी मौत के पीछे का राज? और इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी पूरी की गई दो फिल्में रिलीज हुई तो उन दो फिल्मों के साथ कौन सा ऐसा वाक्या जुड़ा हुआ है जिससे वहां मौजूद सभी के सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे? क्या इनके मौत से जुड़े राज में इनकी माँ का ही षड्यंत्र था? इतने अधिकार से आज तक किसी ने नहीं डांटा मुझे। कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी है, कहती है जोर जबरदस्ती की तो जान दे देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन था जिसने इन्हें बुरी तरह सिगरेट से जला दिया था, आखिर वो कौन था जिसने इनके हाथ पर ब्लेड से काट दिया था। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को ओम प्रकाश भारती के यहाँ हुआ, जो कि पैसे से बीमा कंपनी में अधिकारी के पद पर थे। इनकी माँ का नाम मीता भारती जो कि गृहिणी थी। दिव्या के एक छोटा भाई कुणाल और एक सौतेली बहन पूनम थी। पूनम इनके पिता की पहली पत्नी से थी। दिव्या बचपन से इतनी चुलबुली थी कि वो सभी बच्चों में बिल्कुल अलग नजर आती। I was thrilled. I said, wow, what a compliment to look so beautiful and good. देखने में बिल्कुल गुड़िया सी दिखती थी। अब आपको इनके एक बचपन के किस्से पर तो यकीन ही नहीं होगा। इनकी माँ एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर अपनी कार से उतरी और दिव्या को कार के बोनट पर बैठा दिया। जैसे कि दिव्या कार के बोनट पर बैठी थी तो उन्होंने जल्दी जल्दी से सामान लिया और सामान लेकर कार में रखने लगी। तभी बगल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उनसे पूछ ही लिया, मैम आपके बोनट पर जो गुड़िया है वो आपने कहाँ से ली? क्या ये गुड़िया इसी स्टोर से ली है आपने? दिव्या की माँ मीता भारती ने जोर से हंसते हुए कहा, सर ये गुड़िया नहीं, मेरी बेटी दिव्या है। वैसे दिव्या की शुरुआती पढ़ाई मानिक जी कॉपर हाई स्कूल से हुई थी। हाँ, पढ़ाई में दिव्या का मन नहीं लगता था। उनका मन लगता तो आईने के सामने खड़े होकर डांस करने में, गाना गाने में। दिव्या जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उनका रुझान ग्लैमर की तरफ बढ़ता जा रहा था। दिव्या ने अभी उम्र के 14 पड़ाव ही पार किए थे, दिव्या को एक विज्ञापन मिल गया, पर इस विज्ञापन ने दिव्या को ग्लैमर का चस्का लगा दिया था। तभी इनकी माँ ने कहा, दिव्या बस करो, जल्दी घर चलो, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है। दिव्या ने फिर मुंह बना लिया। तभी वहीं खड़े एक फिल्म एजेंट ने मजाक मजाक में ही सही दिव्या से कह ही दिया, रोज रोज पढ़ाई से छुटकारा चाहती हो तो फिल्मों में काम शुरू कर दो, यहाँ वो सब कुछ है जो तुम करना चाहती हो दिव्या। उसने दिव्या भारती की माँ मीता भारती से कहा, सो मैन सुभाष घई साहब अपनी फिल्म के लिए एक कम उम्र की लड़की तलाश रहे हैं। भले ही मीता भारती ने इस बात को मजाक में लिया,
पर अगले ही दिन दिव्या भारती स्क्रीन टेस्ट देने के लिए सुभाष घई के पास पहुंच गईं। ये फिल्म थी सौदागर। सुभाष घई को दिव्या पसंद भी बहुत आई, पर दिव्या को सुभाष घई ने रिजेक्ट कर दिया। सुभाष घई का कहना था कि दिव्या अभी तुम बहुत छोटी हो। बताते हैं दिव्या का ये ग्लैमर की तरफ आकर्षण इनके परिवार की ही देन था। बचपन में इनके पिताजी ने ही इनकी मुलाकात सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन से कराई। अमिताभ बच्चन साहब ने उस छोटी सी दिव्या से हाथ मिलाए। दिव्या खुशी के मारे पागल हो गई थी। दिव्या इतना खुश थी कि उन्होंने कई दिनों तक हाथ ही नहीं धोए। देखो मेरे साथ शेक हैंड के हाथ धोना नहीं जाके कीपन किसिंग इट। हाँ, एक्ट्रेस बनने के बाद जब दिव्या भारती से पूछा गया कि उनके पसंदीदा एक्टर कौन है, तो उनकी जुबान में पहला नाम जितेंद्र आया। जितेंद्र साहब की हिम्मत वाला दिव्या ने कई बार देखी थी। उन्हें लगता था कि जब वो हीरोइन बनेंगी तो इनके साथ जरूर काम करेंगी, पर वक्त सिर्फ एक तरफ से कहाँ चलता है। दिव्या हीरोइन तो बनी, पर जितेंद्र साहब उस समय पिता के रोल कर रहे थे। इस तरह क्या देख रही हो? क्यों? मेरे डांटना बुरा लगा ना? इधर सुभाष घई साहब ने दिव्या को रिजेक्ट कर दिया, पर दिव्या तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए पागल थी। तभी उनके उस एड पर फिल्म निर्माता नंदू तोलानी की नजर पड़ी। उन्हें दिव्या भा गई। साल 1988 में निर्माता नंदू तोलानी ने मिथुन के अपोजिट दिव्या को कास्ट किया। फिल्म थी गुनाहों का देवता। दिव्या को किसी भी तरह से सिर्फ पढ़ाई छोड़नी थी। उनके परिवार को पता लग गया कि दिव्या एक फिल्म में काम करने जा रही है। दिव्या भारती के पिता सीधे नंदू तोलानी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि हमारी बिटिया अभी बहुत छोटी है, वो अभी इस फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। बाद में फिल्म संगीता बिजलानी को मिल गई। दिव्या भारती चाह कर भी पिता की बात को नहीं काट पाई थी। दिव्या मन मचोट कर रह गई। कुछ नहीं, आप ही तो मेरी जिंदगी है डैडी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। दिव्या डांस और संगीत की बहुत प्रेमी थी, और एक दिन वो एक वीडियो लाइब्रेरी गई हुई थी। उस फिल्म लाइब्रेरी में गोविंदा के बड़े भाई कीर्ति कुमार भी आए थे, और जब उनकी नजर दिव्या पर पड़ी तो उन्हें उनकी राधा मिल गई, जिस राधा के लिए न जाने कितने ऑडिशन लिए थे। पर आज कीर्ति कुमार को इस वीडियो लाइब्रेरी में उन्हें उनकी फिल्म राधा की संगम की राधा मिल गई थी। कीर्ति कुमार ने बगैर ऑडिशन लिए दिव्या को सिलेक्ट कर लिया था। दिव्या ने बड़ी जोर जबरदस्ती कर अब की बार तो पिता को भी मना लिया, वो फिल्म में काम करेंगी। दिव्या की डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अचानक फिल्म राधा का संगम से इन्हें निकाल दिया गया। इनकी जगह जूही चावला को ले लिया गया था। कीर्ति कुमार ने कारण बताया कि दिव्या बेहद चुलबुली है, वो काम के प्रति मैच्योर नहीं है। इसमें कसूर किसका है, मेरा, तुम्हारा या किस्मत का? मैं तो एक बेजुबान कुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही। बहरहाल फिल्म राधा का संगम सुपर फ्लॉप हुई। वैसे इसके बाद इन्हें बोनी कपूर की फिल्म प्रेम में लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य को तो अभी दिव्या का साथ छोड़ना ही नहीं था। दिव्या को फिर तब्बू ने रिप्लेस कर दिया था। कहते हैं ना, सफलता पाने के लिए टैलेंट, मेहनत और किस्मत, तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है। दिव्या भारती के पास टैलेंट तो था, मेहनत वो खूब कर रही थी, पर किस्मत अपने हाथ में कहाँ होती। क्या करने आई थी आप? बोलो भरो, वॉचमैन, वॉचमैन, मार डालूंगी। पर उसी के साथ ये भी बात बिल्कुल सही है कि की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। किसी ने दिव्या को राय दी कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम एक बार साउथ की फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती। इधर 1989 में तेलुगु फिल्म प्रोड्यूसर डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था बोबली राजा। दिव्या ने इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया और दिव्या का चयन भी हो गया। दिव्या 16 साल की उम्र में हीरोइन बन गई थी। हाँ, जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो इसने ताबड़तोड़ सफलता हासिल की। ये सुपर डुपर हिट साबित हुई। '90 के आते आते दिव्या की दो फिल्में और आईं। पहली थी रावड़ी आल्डू, जिसमें उनके साथ चिरंजीवी थे, और दूसरी थी असेंबली रावड़ी, अपोजिट
मोहन बाबू के। दिव्या की ये दोनों फिल्में बड़ी हिट साबित हुई। लगातार 3 सुपरहिट मूवी देने के बाद दिव्या को दक्षिण की सुपरस्टार अभिनेत्री का दर्जा मिल गया। इधर दिव्या की बढ़ती लोकप्रियता और दिव्या की प्राकृतिक सुंदरता, इन दोनों ने एक बार फिर बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों का ध्यान दिव्या की तरफ खींचा। तो ये कहावत भी बिल्कुल सच्ची निकली कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मशहूर निर्देशक राजीव राय ने दिव्या को अपनी फिल्म विश्वात्मा के लिए साइन किया। इस फिल्म में दिव्या के अपोजिट सनी देओल जैसे बड़े एक्टर थे। विश्वात्मा फिल्म जब पर्दे पर आई तो लोगों की भीड़ का कोई ठिकाना नहीं था। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे और एक गाना तो ऐसा हिट हुआ कि आज की नई जनरेशन भी अपनी पार्टियों में इसे जरूर बजाती है। और इसके बाद दिव्या की अगली फिल्म आई दिल का क्या कसूर। इस फिल्म का संगीत भी दर्शकों को खूब भाया। फिर आया साल 1992। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती दिव्या को अब डायरेक्टर डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म 16 और सबनम मिली। समय का खेल देखिए, 16 सबनम फिल्म के लिए गोविंदा ने ही इस फिल्म में दिव्या को लेने को कहा था। और तो और इस फिल्म में डेविड धवन साहब ने पहले जूही चावला को लिया था, बाद में दिव्या भारती को लिया गया। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि गोविंदा की हिट मूवियों में आज भी इस फिल्म का नाम है। गोविंदा ने इस फिल्म में प्लेबैक सिंगिंग भी की, भले ही ये मूवी गोविंदा पर ही सेंट्रलाइज्ड हो। पर अब की बार दिव्या के अभिनय की भी खूब सराहना हुई। दिव्या भारती रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म के लिए दिव्या को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी चुना गया, पर उस साल का ये अवार्ड माधुरी दीक्षित को बेटा मूवी के लिए मिला। पर दर्शकों में बढ़ती लोकप्रियता ने इन्हें वो अवार्ड खुद ब खुद दे दिया था। इस साल के अंत में दिव्या भारती की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीवाना पर्दे पर आई। इस फिल्म के आते ही बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की आंधी आ गई। टिकट खिड़कियों पर ऐसी भीड़ कि एक एक हफ्ते की टिकट पहले ही बुक हो जा रही थी। आपको बता दें, इस फिल्म से ही बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान को भी बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। इस वर्ष का न्यू कमर एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिव्या को मिला। दिव्या भारती वाज आई थिंक स्टनिंग एज एन एक्टर लाइक दिस। शी वाज मोस्ट अनलाइक एन एक्टर लाइक आई थॉट ऑफ मायसेल्फ। इसके बाद दिव्या की और भी फिल्में आईं, बलवान, गीत, दिल आसियाना है, दुश्मन जमाना, दिल ही तो है। ये सब 90 की दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्में रहीं। तूफान तो खड़ा हो चुका है और उस तूफान में तुम बुरी तरह से घिर चुके हो। अब जल्दी बाहर आओ और मेरी गाड़ी ठीक करो। ये वो समय था जब श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी नायिकाओं का बॉलीवुड में बोलबाला था। इन हीरोइनों के जादू के आगे कोई भी हीरोइन टिक नहीं रही थी, पर दिव्या के आते ही इनका भी सिंहासन हिल गया था। दिव्या भारती जी का पहले ऑटोग्राफ का बड़ा रोचक किस्सा है। इनसे इनका पहला ऑटोग्राफ 10 वर्ष की लड़की ने मांगा। दिव्या भारती ने बगैर कुछ सोचे समझे वो ऑटोग्राफ दे दिया। तभी दिव्या भारती की माँ मीता भारती ने पीछे से टोकते हुए बोला, दिव्या पहले उसका नाम पूछो, फिर उस कागज पर उसका नाम लिखो। दिव्या ने जब उस 10 साल की बच्ची से उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। दिव्या भी समझ नहीं पाई कि अब वो क्या कहें, क्योंकि दिव्या भी तो मात्र 14 साल की ही थी। अच्छा तरीका है ऑटोग्राफ लेने का। कल भी आए थे लेकिन आपको लोगों ने घेर रखा था ना, तो हमने सोचा कि क्या नाम है आपका। चलिए एक बार फिर फिल्म 16 सबनम पर ही चलते हैं। 16 सबनम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से डेट के सिलसिले में अक्सर मिलने आया करते। वहां उनकी नजर फिल्म की हीरोइन दिव्या पर पड़ी।
साजिद के दिव्या को देखते ही होश उड़ गए। साजिद पहली नजर में दिव्या के दीवाने हो गए। अब फिल्म के लिए डेट लेना तो दूर हो गया था, वो सिर्फ दिव्या को देखने के बहाने गोविंदा के पास रोज आ जाया करते और किसी न किसी बहाने से दिव्या के पास जाते और बात करने की कोशिश करते। दिव्या को भी साजिद बहुत ईमानदार लगे। अब सेट पर ये मुलाकातें बढ़ने लगी, शायद ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दिव्या ने अपने इस प्यार के बारे में अपनी माँ को भी बताया। दोनों इस प्यार को सीक्रेट रखना चाहते थे, शायद इसके कई कारण थे। दिव्या अभी बालिग नहीं थी। और दूसरा कारण शायद ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ के दर्शक शादीशुदा हीरोइनों को शायद स्वीकार कम करते हैं। फिर वो तारीख आई जिसका साजिद और दिव्या दोनों को इंतजार था। तारीख थी 25 फरवरी 1992। अब दिव्या बालिग हो गई थी। 10 मार्च को दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। शायद दिव्या के परिवार को साजिद से शादी कबूल नहीं थी। दिव्या ने शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। अब इनका नाम दिव्या की जगह सना नाडियाड वाला था। जब दिव्या की शादी हुई तो दिव्या ने लगभग 20 फिल्में साइन कर ली थी। दिव्या भारती अपनी सोच से भी बहुत महत्वाकांक्षी थी। दिव्या से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ किसी का नाम जोड़ा गया तो आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा था, आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब छोटी छोटी चीजें तो होती ही रहेंगी, आपको इन्हें इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसकी तरफ से ध्यान हटा दो तो ही कुछ बन सकते हो, अगर इसकी तरफ ध्यान जाएगा तो यू कांट बी सक्सेसफुल। भले ही आज दिव्या भारती सफलता का पर्याय बन चुकी थी, पर वो अपने दक्षिण के दर्शकों को कभी नाराज नहीं करना चाहती थी। वो कहती हैं, मैं हर वर्ष एक साउथ मूवी तो जरूर करूंगी। जिस दिव्या भारती को कुछ दिनों पहले ही कई डायरेक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी दिव्या भारती ने 2 साल के भीतर 12 हिंदी और 12 तेलुगु फिल्में देकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। दिव्या अपने परिवार पर जान निछावर करती थी। वो दिन रात कमाने में सिर्फ इसलिए लगी थी कि उन्हें अपने पिता के वर्ल्ड टूर के सपने को पूरा करना था। दिव्या अपने भाई को इतना प्यार करती थी कि उन्होंने अपने लिए कार लेने से पहले अपने भाई कुणाल के लिए जीप ली थी। तो चलिए दिव्या की शादी पर एक बार फिर लौटते हैं। शादी के बाद साजिद ने दिव्या को एक फ्लैट लेकर दिया। ये फ्लैट वर्सोवा में था, दिव्या वहीं रहती थी। कभी कदार उनके भाई कुणाल उनसे मिलने आ जाया करते थे। वैसे ये फ्लैट ना ही दिव्या के नाम था ना ही उनके पति साजिद के नाम था। दिव्या जोर शोर से अपनी शूटिंग में लगी थी। तो 5 अप्रैल 1993 को जब दिव्या हैदराबाद से शूटिंग खत्म कर मुंबई आई तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए 4 BHK एक फ्लैट की डील पक्की की। दिव्या अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कर रही थी। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। उन्होंने अपने मम्मी पापा भाई सभी को बताया। वो अपने मम्मी पापा से मिलकर सीधे अपने फ्लैट तुलसी अपार्टमेंट में आई। वहां पर उनकी दोस्त नीता लुल्ला जो कि उनकी फैशन डिजाइनर थी वो भी उनसे मिलने अपने पति के साथ आई। कहते हैं नीता दिव्या की आने वाली फिल्म आंदोलन के लिए कॉस्ट्यूम के सिलसिले में बात करना चाहती थी। नीता के साथ में उनके पति भी आए जो कि पेशे से डॉक्टर थे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। घर में दिव्या और उनकी मेट और नीता और उनके पति थे, कुल 4 लोग। दिव्या नीता और उनके पति आपस में बात कर रहे थे। धीरे धीरे ड्रिंक का सिलसिला शुरू होता है। दिव्या की मेड स्नैक वगैरह का इंतजाम कर रही थी। भारतीय लड़कियों में से नहीं है जो दौलत का चश्मा पहनकर सामने वाले की शक्ल भुला देती है। ये सब होते होते रात 9 बजे से 11 बज जाता है। इस दौरान दिव्या बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिंदगी सपनों के पीछे भागने का नाम नहीं है, परछाइयां पकड़ने से हाथ में नहीं आ जाती,
दिव्या नीता से बताती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है, ना तो मैं किसी का मूड खराब कर रही हूँ और ना ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। नीता और उनके पति टीवी देख रहे थे। दिव्या वॉशरूम न जाकर सीधे अपनी बालकनी की खिड़की पर बैठ जाती है। हालात ने मुझे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया है, अब तुम आए हो तो फैसला करके जाओ। रवि, अचानक दिव्या का बैलेंस बिगड़ जाता है और दिव्या पांचवें फ्लोर से सीधे नीचे गिर जाती है। वैसे तो उनकी बालकनी के नीचे पार्किंग थी, पर उस दिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं खड़ी थी। नीचे कंक्रीट की चट्टान थी। अब इसे इत्तफाक कहें या साजिश, उस दिन एक भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी। दिव्या लहूलुहान थी। वहां पर दिव्या की सांसें तो चल रही थी। दिव्या के गिरने की आवाज से वहां का गार्ड, ऊपर की मेड, उनके दोस्त और अगल बगल के पड़ोसी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। दिव्या को नजदीक के कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर दिव्या को चेक करते हैं। डॉक्टर कहते हैं दिव्या की तो रास्ते में ही मृत्यु हो गई। बस इस एक वाक्य ने सब कुछ एक पल में बदल दिया था। भले ही दिव्या भारती जी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए हुए महज 2 साल हुए थे, पर उन्होंने एक एक्ट्रेस के तौर पर वो पा लिया था जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस 2 दशकों में नहीं पाती थी। कभी कभी बाहर से देखने वाला मजबूत पेड़ भी अंदर से खोखला हो जाता है बेटिया। दिव्या भारती जी के न रहने की खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या भारती अब इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। जांच पड़ताल और पोस्टमार्टम के बाद दिव्या के शव को उनके माता पिता को सौंप दिया गया। तारीख 7 अप्रैल को विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार हुआ। दिव्या भारती को दुल्हन की तरह सजाकर उनको अंतिम विदाई दी गई। उनकी मौत की खबर जो कोई भी सुन रहा था वो सिर्फ स्तब्ध हो रहा था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी ने इसे हादसा कहा तो किसी ने साजिश। किसी को लग रहा था कि वो जिंदगी से ऊब गई हैं। किसी ने इस मौत को एक रहस्यमयी मौत कहा। किसी ने उनके पति को ही उनकी मौत का जिम्मेदार बताया। सबकी अपनी अलग अलग कहानी थी, पर कुल मिलाकर दिव्या भारती जी अब इस दुनिया में नहीं थी। सारी उम्र पुकारे फिर भी लौट के ना आऊंगी। हालांकि रही बात उनके पति साजिद नाडियाडवाला की, उन्हें इस घटनाक्रम में दोषी नहीं पाया गया क्योंकि वो उस समय घर पर थे ही नहीं। दिव्या भारती के भाई का बयान आया कि उस दिन दिव्या बहुत परेशान थी। भाई कुणाल ने कहा कि उनका उनके पति साजिद से झगड़ा हुआ था। क्योंकि वो खुद उस समय वहां मौजूद थे। झगड़ा चलता रहा और साजिद वहां से चले गए। दिव्या भारती खूब शराब पी चुकी थी। बहुत कड़वा होता है शालू, अरुण ने तुझे कभी नहीं चाहा, कभी तुझसे प्यार नहीं किया, नहीं ये सच नहीं है। थोड़ी देर बाद कुणाल भी वहां से चले गए। तभी इस घटना के बाद एक और ऐसी घटना हुई जिसने इन कयासों को और आग दे दी। दरअसल इस घटना के 1 महीने बाद अचानक दिव्या की हाउसमेट का भी हार्ट अटैक से देहांत हो गया। पुलिस दिव्या की मृत्यु की जांच में लगी रही। लंबे समय तक छानबीन हुई। लगभग 5 वर्षों बाद पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दिव्या की मृत्यु को एक हादसा करार दिया। दिव्या की मृत्यु भले ही एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। दिव्या ने भले ही सिनेमा को महज 2 साल दिए, पर उनके चाहने वालों की तादाद अनगिनत थी। इन चंद सालों में दिव्या ने वो मुकाम हासिल कर लिया था जो वाकई उन्हें बेमिसाल साबित करता है। इसमें क्या मेरे खता है। वैसे जिस समय दिव्या भारती की मृत्यु हुई वो 20 से ज्यादा फिल्में कर चुकी थी और लगभग 10 से ज्यादा फिल्मों में काम कर रही थी। अब जिन फिल्मों के नाम आपको बताएंगे वो आपको आश्चर्यचकित करेंगे, जैसे कि वो अक्षय कुमार सुनील शेट्टी की मोहरा फिल्म में काम कर रही थी, पर बाद में उनकी जगह रवीना टंडन ने ली। 1993 में आई फिल्म धनवान जो अजय देवगन के साथ उन्होंने साइन की थी, बाद में इसे करिश्मा कपूर ने किया। इसी तरह फिल्म अंगरक्षक में सनी देओल जी के साथ दिव्या को लिया गया था, बाद में उनकी जगह पूजा भट्ट को लिया गया। और इसी तरह विजयपथ फिल्म में तब्बू को उनका रोल मिला।
दिव्या ने इतनी कम उम्र में वो पा लिया था जिसे पाने के लिए लोगों की उम्र गुजर जाती है। आपने भी कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि उन्हें श्रीदेवी की हमशक्ल की उपमा दी जाती है, पर जब दिव्या भारती से पूछा गया कि आप श्रीदेवी की तरह लगती हैं, तो दिव्या ने बड़े चुलबुले अंदाज में कहा, No, yeah, she's too beautiful. I've got pimpled face. दिव्या भारती जब आई तो लोगों ने कहा कि श्रीदेवी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो दिव्या भारती। पर दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी कई फिल्मों को श्रीदेवी ने पूरा किया, जैसे कि फिल्म थी लाडला। लगभग 80% शूटिंग दिव्या भारती कर गई थी। अचानक दिव्या भारती की मृत्यु हो जाती है, फिर उनकी जगह श्रीदेवी जी को लेकर ये फिल्म पूरी की गई। कवि जिन्हें श्रीदेवी का हमशक्ल कहा जाता था, आज वही श्रीदेवी जी दिव्या जी की जगह फिल्म में काम कर रही थी। दिव्या की मृत्यु के 8 महीनों बाद लाडला फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू की गई, पर इस दोबारा शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां मौजूद सभी लोग सहम गए। दरअसल शूटिंग के वक्त डायलॉग बोलते समय श्रीदेवी बार बार वहीं पर रुक जाती जहां पर पिछली बार दिव्या भारती जी अटक रही थी। स्कूल के बच्चों की तरह मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। अगर 5 मजदूर नहीं आए थे तो उनकी जगह दूसरे 5 मजदूरों से ओवरटाइम। वहां मौजूद फिल्म के मेंबर शक्ति कपूर, रवीना टंडन भी इसके साक्षात गवाह थे। तभी शक्ति कपूर साहब ने निर्देशक राज कंवर जी से सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ करने को कहा। फिर जाकर श्रीदेवी ने अपनी वो लाइन बोली और उस डायलॉग का सही सूट हो पाया। मुझसे हजारों लड़के शादी करना चाहते हैं, मगर मैं चाहती हूँ सिर्फ आपके बेटे को। दिव्या की मृत्यु के बाद 2 फिल्में जो वो पूरी कर गई थी वो रिलीज हुई। पहली थी रंग और दूसरी थी शतरंज। रंग फिल्म में अदाकारा आयशा जुल्का ने भी उनके साथ काम किया। आयशा ने BBC में इंटरव्यू में कुछ ऐसा बताया कि सभी को दिव्या की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने बताया कि दिव्या फिल्म को लगभग पूरा शूट कर गई थी। फिल्म जब पूरी हो गई तो सभी ने फिल्म का ट्रायल एक साथ देखा। वो बताती हैं कि फिल्म पूरी चल रही थी, सभी लोग वहां मौजूद थे और फिल्म को देख रहे थे। तभी अचानक दिव्या का सीन आ जाता है। दिव्या के सीन के आते ही स्क्रीन गिर जाती है। वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का थे, सभी में दहशत हो गई थी कि शायद दिव्या यहीं कहीं अगल बगल मौजूद है। वैसे आपको यकीन कर पाना बेहद मुश्किल हो, पर कभी कभी यकीन इसलिए हो जाता है कि दिव्या भारती की मृत्यु बेहद रहस्यमयी रही। तो चलिए एक बार फिर दिव्या की मृत्यु की तारीख 5 अप्रैल 1993 में चलते हैं। तो बात निकल कर आती है कि दिव्या जिस अपार्टमेंट में रहती थी वो तुलसी अपार्टमेंट था। वो ना ही दिव्या भारती के नाम था और ना ही उनके पति साजिद नाडियावाला के नाम। कहते हैं उस रात उनकी मेट के अलावा उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम थे। दिव्या भारती जी की फिल्मोग्राफी मिलाई जाए तो नीता लुल्ला की सेवाएं सिर्फ एक फिल्म में दिव्या ने ली थी, वो फिल्म थी दिल आसना है। वैसे जब बात आती है कि दिव्या से आखिर नीता मिलने क्यों आई थी, कहते हैं नीता लुल्ला उनकी आने वाली फिल्म आंदोलन की कॉस्ट्यूम के सिलसिले में बात करने आई थी। पर दिव्या के मृत्यु के 2 साल बाद जब आंदोलन फिल्म रिलीज हुई तो उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला थी ही नहीं। अब बात आती है दिव्या भारती की मेट, जिनकी मृत्यु दिव्या की मृत्यु के 1 महीने बाद बड़ी रहस्यमय ढंग से हुई। पुलिस रिकॉर्ड में दिव्या की मेट की मृत्यु की वजह हार्ट अटैक बताई गई, पर दिव्या की मेट अमृता का उनकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं कराया गया। वैसे कुछ जगह तो ये बात भी आती है कि दिव्या के पति साजिद के अंडरवर्ल्ड डॉन से लिंक थे, जिसका पता दिव्या को हो गया था और वो इस वाक्य का खुलासा करने जा रही थी। तो कहीं कहीं ये बात आती है कि दिव्या की सक्सेस का ग्राफ आसमान छू रहा था, जिससे उस दौर की नंबर वन हीरोइनों का सिंहासन डोल रहा था। और तो और अंडरवर्ल्ड डॉन की जिन फिल्मों में रकम लग रही थी वो भी दिव्या की फिल्मों के आगे फ्लॉप हो रही थी। कुछ पत्रिकाओं में तो ये भी बात सामने आई कि दिव्या और उनके पति साजिद का बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था। साजिद दिव्या को छोड़ घर से चले गए थे। दिव्या ने अपने पति साजिद से कहा,
कि अगर वो एक घंटे में लौट कर नहीं आए तो वो कूद कर जान दे देंगी। उसके तुरंत बाद ही हादसा हो गया। दिव्या की बॉडी को लेकर जब नीता लुल्ला और उनके पति हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी मृत्यु तो रास्ते में ही हो गई। हाँ, जब घर वालों को सूचना मिली तो तुरंत इनके भाई कुणाल और दिव्या के पिता हॉस्पिटल पहुंच गए, पर माँ मीता भारती बहुत समय बाद हॉस्पिटल पहुंची। कुछ जगह तो ये भी बताया गया कि जब दिव्या की माँ हॉस्पिटल पहुंची तो दिव्या के पिता ने उन्हें देखते ही कहा, आखिर तुमने इसकी जान ले ही ली। हालांकि बाद में यह सब खोल माल ही रहा। इस घटनाक्रम में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात उनका अंतिम संस्कार रहा। जिसका अपना दिल आंसू में डूबा हो वो दूसरों को क्या खुशी बांट सकता है। खबरों के मुताबिक दिव्या ने शादी के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था, लेकिन उनकी आखिरी शव यात्रा हिंदू दुल्हन के रूप में निकाली गई, और तो और उन्हें दफनाया नहीं गया, उनका दाह संस्कार हुआ। चर्चा ये भी हुई कि उनके पति साजिद ने ही उनका दाह संस्कार कराया ताकि उनका मृत शरीर जलकर खाक हो जाए और कोई भी सबूत ना बचे। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी मां ने खुलासा किया। दिव्या गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत के कुछ महीनों पहले वो अमेरिका गई थी, वहां किसी बात को लेकर वो परेशान हो गई और उन्होंने खुद को सिगरेट से जला लिया था। वो बताती हैं जब उन्हें फिल्म राधा का संगम से रिजेक्ट कर दिया गया तो वो इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने अपनी कलाई पर काट लिया था। पर इन सब पहलुओं में आखिर क्या सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिए। वैसे दिव्या भारती जी की आपने न जाने कितनी फिल्में देखी होंगी। आपको क्या याद है कि उनकी किस फिल्म में उनका नाम दिव्या ही था? अब मेरे पास दो चॉकलेट और हैं, एक चॉकलेट और दो चॉकलेट, मगर मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे अपने साथ खिलाओगे। चलिए दिव्या भारती जी की इस निजी लाइफ और उनकी प्रश्न और पहलियों के बीच आप ये भी जरूर बताइएगा कि उनका नाम लेते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है, दिव्या भारती पर फिल्माया गया कौन सा गाना आपका आज भी फेवरेट गाना है। और इन सभी सवालों के जवाब के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस 25 से 30 मिनट के वीडियो में हमारी मेहनत के 25 से 30 घंटे लगे हैं, तो आपका एक लाइक हमें और उत्साह देगा। जैसे आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार के लिए किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। आपका मैं एक बार फिर दिल से अभिनंदन करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।